आइंसिस एकेडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे, ठीक है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए करंट अफेयर का वेटेज जो है आपका 35 से 40 क्वेश्चंस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में रहता ही रहता है। तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना है, जितने भी सोर्सेज आपको मिल जाएं, 6 मंथ महीने का जो करंट अफेयर है ना, 6 मंथ्स का, वो आपको किसी भी सोर्स कहीं से भी मिल जाए वो आपको करना ही है, ठीक है। पीवाईक्यूज को देख लीजिए, पीवाईक्यूज के हिसाब से, पीसीएस के हिसाब से जो फैक्ट, जो क्वेश्चंस करंट अफेयर में आ सकते हैं, उस हिसाब से आपको कोई भी सोर्स मिले वहाँ से सेलेक्ट करके उसका नोट्स बना लीजिए और उसको घोट जाइए, उसको रट जाइए, ठीक है। बार बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज रहता है, इसमें आपको एज लेने का चांस रहता है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले के ऑनलाइनर्स वाले जो वीडियो हैं नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, चैनल पे ऑलरेडी अप्रैल मई जून 3 महीने का पड़ चुका है। इस वीडियो में हम जुलाई 2024 के वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसके अलावा जुलाई महीने की जो नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर है वो भी वीडियो चैनल पर डाल दिया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं। 29 जुलाई 2024 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने किस देश में बैठक की? जापान में की। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जुलाई 2024 को। 28 जुलाई 2024 को निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? वेनेजुएला। 28 जुलाई 2024 को फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन घोषित किया गया? लुइस हैमिल्टन। 28 जुलाई 2024 को भारत किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई? सऊदी अरब। 28 जुलाई 2024 को किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 का फाइनल जीता? श्रीलंका ने। 28 जुलाई 2024 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पहली बार निशानेबाज में ओलंपिक पदक जीता? मनु भाकर। हाल ही में भारत सरकार के तहत संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCM के माध्यम से किस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों को मानचित्रित और दस्तावेजीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD। 25 जुलाई 2024 को इस्पात मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0। 25 जुलाई 2024 को 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। विषयगत श्रेणी में बिहार के सारण के रेडियो मयूर को उसके किस मंत्रालय, किस कार्यक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया? टेक सखी। 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग CWC के किस प्रकाशन का विमोचन किया? भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन। 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के हिस्से के रूप में झारखंड के धनबाद में किस अभियान का उद्घाटन किया? वृक्षारोपण अभियान 2024। 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया। दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया? गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल का नाम कर दिया अशोक मंडप, ठीक है, हॉल को चेंज करके मंडप बना दिया। 19 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 18 जुलाई 2024 को निन्सल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस विषय के साथ मनाया गया? गरीबी और असमानता का मुकाबला करना हमारे हाथ में है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? सौर्य बाबा। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन
में शामिल हुआ है आइवरी कोस्ट। 18 जुलाई 2024 को भारत और मलेशिया ने किस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है? खाद्य तेल। किस राज्य में चांदीपुरा वायरल इंसेफ्लाइटिस का मामला दर्ज किया गया? गुजरात में। 19 जुलाई 2024 को 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? IITM रिसर्च पार्क चेन्नई। 19 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। 18 जुलाई 2024 को किसने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2030 तक 100 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करने के लिए सिफारिश की है नीति आयोग ने। 18 जुलाई 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉयस ओवर कलाकारों के लिए किस एक अप स्किलिंग कार्यक्रम को शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ साझेदारी की? द वॉयस बॉक्स। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम क्या है? भविष्य अभी है। 18 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम उपलब्धियों का जश्न उत्कृष्टता को प्रेरित करना नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। 18 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत पहला स्थान हासिल किया मध्य प्रदेश ने। 18 जुलाई 2024 को क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने पारंपरिक तरीकों को समकालीन अनुसंधान के साथ जोड़ते हुए रेजिमेनल थेरेपी में नवाचार पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में। 17 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत INS टबर 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश में पहुंचा? जर्मनी। 14 जुलाई 2024 को किसके द्वारा जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया? worldatlas.com। 16 जुलाई 2024 को भारत ने जेनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध ICCPR। 16 से 17 जुलाई 2024 के मध्य G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इटली के रेजियो कैलाब्रिया में। 17 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने कितने देशों को क्रिकेट की दुनिया में उनके परिवर्तनकारी कार्य के लिए 2023 के ICC डेवलपमेंट पुरस्कार का विजेता घोषित किया? 6 देशों को। 17 जुलाई 2024 को एशियाई विकास बैंक ADB ने अपनी नवीनतम एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के लिए कितने प्रतिशत का पूर्वानुमान व्यक्त किया है? 7% का। 17 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? मॉरिशस में। 17 जुलाई 2024 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। यह दिवस 17 जुलाई 1998 को किस संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है? रोम संविधि। 16 जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? अस्मिता परियोजना।
17 जुलाई 2024 को हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत 36 आरक्षण देने की घोषणा की, 10%। 16 जुलाई 2024 को शुरू की गई भारतीय नौसेना की प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रतियोगिता थिंक 2024, क्या विषय क्या है, विकसित भारत। 16 जुलाई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI ने नई दिल्ली परिसर में भवन में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 73वां स्थापना दिवस मनाया। 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किस नाम से एक रिपोर्ट जारी की, भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोडमैप। 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI के तत्वावधान में जियो प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र में महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया, फरीदाबाद हरियाणा में। 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नीति आयोग की संरचना में बदलाव किया गया, संशोधित संरचना में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे, सुमन बेरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 16 जुलाई 2024 को जारी किस रिपोर्ट में निजी खपत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि के बीच वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि के अपने अनुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 7% कर दिया, विश्व आर्थिक परिदृश्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जुलाई 2024 को मद्रास उच्च न्यायालय के किस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया, R. महादेवन। 15 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए किस संगठन को $25 लाख की पहली किस्त जारी की, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में भोजशाला परिसर में मौजूदा संरचना का निर्माण मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके किया गया था, धार। 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 96वें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का उद्घाटन कहाँ किया, नई दिल्ली में। 14 जुलाई 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इंदौर ने। 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया, मध्य प्रदेश। 14 जुलाई 2024 को विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में केनी और अमेजॉन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पेज शीर्षक से किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान किस वर्ष तक दोगुना होकर $7 ट्रिलियन हो जाएगा वर्ष 2030 तक। 15 जुलाई 2024 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने किस पर 5% की एक समान IGST दर लागू करने की घोषणा की, सभी विमानों और विमान इंजन के कलपुर्जों पर। 15 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG ने देश में किसके लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया, बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए। 15 जुलाई 2024 को आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया है? रॉबर्ट जेराड रवि को। 13 से 15 जुलाई 2024 के मध्य किस संस्थान द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय सेमिनार सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली। 12 जुलाई 2024 को किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? जेम्स एंडरसन ने। 12 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया? नेपाल। 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया? 25 जून को। 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर पहुंचेगी? 2060 के दशक। 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 10%। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC के किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण की हकदार माना? धारा 125। 10 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSC को प्रेषण का दायरा बढ़ा दिया है? उदारीकृत प्रेषण योजना LRS। 10 जुलाई 2024 को किस राज्य की कैबिनेट द्वारा VVIP लोगों को लाने ले जाने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई? मध्य प्रदेश। 10 जुलाई 2024 को राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का पूर्ण बजट पेश किया जिसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए कितना व्यय प्रस्तावित है? 4.95 लाख करोड़ रुपए, 4.95 लाख करोड़ रुपए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्तिकुलंगना मत्स्य बंदरगाह से गहरे जल में रहने वाली डॉगफिश शार्क की किस नई प्रजाति की खोज की? स्क्वेलस हिमा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? PV सिंधु और शरत कमल। 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र ETF कौन सा है? ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF। 9 जुलाई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किसके साथ ग्रामीण आदिवासी और कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए? MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। 9 जुलाई 2024 को यूरोप का Ariane 6 यान कहां से प्रक्षेपित किया गया? कौरू फ्रेंच गुयाना। 10 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों ने वित्त मंत्री को कितने रुपए का लाभांश सौंपा? 6,481 करोड़ रुपए। 20 से 21 जून 2024 के दौरान की गई नवीनतम ग्रीष्मकालीन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या कितनी है? 19,918। 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य कौन बना? बांग्लादेश। 11 से 12 जुलाई 2024 के मध्य किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? ओम बिरला। दस जुलाई 2024 को 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? नागालैंड को। 10 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2024 में वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स का मान क्या था? 64.2। 8 जुलाई 2024 से भारत और ताइवान के बीच किस उत्पाद के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता लागू हुआ?
चाय और औषधीय पौधे। 9 जुलाई 2024 को भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमत जताई है? 100। 9 जुलाई 2024 को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। 9 जुलाई 2024 को जून 2024 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। 9 जुलाई 2024 को किसकी अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने एक 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया? अरविंद पनगड़िया। अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन होगा? राजस्थान होगा। 8 जुलाई 2024 को वैज्ञानिकों ने किस एक्सोप्लैनेट की खोज की जिसकी गंध सड़े हुए अंडों की तरह है? HD 189733B। 8 जुलाई 2024 को जापान ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस। 7 जुलाई 2024 को प्रमुख भारतीय व्यवसायी राम बक्सानी का 83 वर्ष की आयु में कहां पर निधन हो गया? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश कब से प्रभावी होंगे? 1 अगस्त 2024। 8 जुलाई 2024 को HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिविलियर डी ला लीजन डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? फ्रांस। 8 जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट परी को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने किसे 30 जून 2024 से प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में फिर से नामित किया? सिद्धार्थ मोहंती को। 7 जुलाई 2024 को एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? अभय सिंह ने। 6 जुलाई 2024 को देश के किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया? जोरावर। 5 जुलाई 2024 को भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC के रक्षा मंत्रालयों के मध्य पहली सचिव स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? अभरक। किस देश के सुलावेसी द्वीप पर स्थित चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की है जिसका निर्माण कम से कम 51,200 वर्ष पूर्व हुआ था? इंडोनेशिया। 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शहर शुरू किया गया? ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। भारतीय राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की? बजाज ऑटो ने। विश्व जूनोसिस दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 जुलाई 2024 को। 6 जुलाई 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सहायता प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया गया? AGR2 योजना। 6 जुलाई 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का विषय क्या है? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 जुलाई से 16 जुलाई 2024 तक कहां पर आयोजित किया गया? उमरोई मेघालय में। भारतीय दूतावास ने भारतीय सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के पर्यटन और एक जिला एक उत्पाद ODOP को दर्शाने वाली नई दीवारों का उद्घाटन किस देश में किया? बहरीन में। 2 जुलाई 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डिक सूफ को। 2 जुलाई 2024 को भारत के किस मिशन ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की? आदित्य L1 ने। 28 जून 2024 को पहला भारत बेलारूस कांसुलर संवाद कहां आयोजित किया गया? मिंस्क में।
अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 3 जुलाई को। 2 जुलाई 2024 को भारत सरकार और किसने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों और भविष्य की महामारियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई क्षमता को एकीकृत तथा मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए? एशियाई विकास बैंक एडीबी। 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। 1 जुलाई 2024 को भारतीय स्टेट बैंक ने कौन सा ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया? MSME सहज। 1 जुलाई 2024 को किस देश ने अपने नए फ्लैगशिप तीसरे S3 लॉन्च व्हीकल S3F3 फ्लाइट नंबर 3 पर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? जापान। 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकरण में भारत थाईलैंड के मध्य किस संयुक्त सैन्य अभ्यास के 13वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? मैत्री। 1 जुलाई 2024 को संचालित एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एयर इंडिया द्वारा कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के अमरावती में। 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश। 29 जून 2024 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया? रवि अग्रवाल को। 29 जून 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की? विराट कोहली एवं रोहित शर्मा ने। 30 जून 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023 में 641 नई जंतु प्रजातियां तथा कितने नए पादप वर्ग की खोज की गई? 339 नए पादप वर्ग। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के अगले चरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 56 करोड़ रुपए। 1 जुलाई 2024 को मनाए गए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या है? हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। 1 जुलाई 2024 को अमेरिका स्थित किस एजेंसी ने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भागीदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया? अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब लागू हो गए? 1 जुलाई 2024 को। वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई 2024 को। 26 जून 2024 को किस राज्य के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक। 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया गया? कोच्ची में। 27 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कहाँ अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना का दोहन विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की? नई दिल्ली में। 27 जून 2024 को किसे हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। 29 जून 2024 को तीसरे 25T बोलार्ड पुल टग बजरंग को किसे सौंप दिया गया? भारतीय नौसेना को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर लगातार तीसरे साल सबसे रहने योग्य शहर के रूप में सूचकांक में शीर्ष पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? M.वेंकैया नायडू। 30 जून 2024 को किसने 30वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। इसी के साथ ही जुलाई महीने के जो वर्ल्ड अंडर करंट अफेयर्स थे वो फिनिश हो गए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।